नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं मनदीप गौतम। आज चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया जा रहा है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, ये ब्लैकआउट क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है और कहां किया जा रहा है। तो आइए, इन सब के जवाब देने के लिए हमारे साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी सेक्टर 17 के प्रेसिडेंट नीरज बजाज जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस बारे में ये ब्लैकआउट क्यों किया जा रहा है। पहले तो सर आपका हमारे तरफ स्वागत है। सर, आज ब्लैकआउट किया जा रहा है सेक्टर 17, तो ये ब्लैकआउट क्यों किया जा रहा है? सेक्टर 17 जो एक शहर में सुंदरता की एक निशानी थी, जब यहाँ पर बाहर के टूरिस्ट आते थे वो इसकी सुंदरता देखकर उनका वो सोचते थे कि हम दोबारा भी आएं। लेकिन सेक्टर 17 की सुंदरता के ऊपर पिछले 3 साल से लगभग दाग लगा दिया गया है कि यहाँ पर वेंडर्स इस कदर बिठा दिए गए हैं कि यहाँ पर आना तो क्या, यहाँ पर इसके प्लाजा में चलना भी मुश्किल है। उसकी वजह से सेक्टर 17 के ऊपर बिजनेस में भी फर्क है, टूरिस्ट भी नहीं आता, लोकल लोगों को भी डिस्टर्बेंस होती है। जगह जगह पर यहाँ पर खाने के स्टॉल भी लगे हुए हैं, कहीं पकौड़े तले जा रहे हैं, कहीं समोसे तले जा रहे हैं, कहीं कुछ मोमोज तले बन रहे हैं। उस माहौल के बीच में सेक्टर 17 की सुंदरता बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ के बिजनेसमैन जो यहाँ करोड़ों रुपए के शोरूम लेके बैठे हुए हैं, उसकी वजह से हम पहले भी इसके ऊपर इसका प्रोटेस्ट कर चुके हैं। उस प्रोटेस्ट में हमें उस पर कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब ने ये वादा किया था ये 5 जनवरी तक सेक्टर 17 प्लाजा खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि सेक्टर 17 को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया। लेकिन उस वादे के बाद भी लगातार ये बात हम उनसे बात करते रहे, लेकिन आज तक वो हमारा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज सेक्टर 17 में हमें दोबारा फिर उसी प्रोटेस्ट को दोहराना पड़ रहा है। सिर्फ इस प्रोटेस्ट के बीच में हम सेक्टर 17 की बात नहीं है, सारे शहर के अलग अलग मार्केटों के बीच में भी यही तरीका बना हुआ है, वहाँ भी इस तरीके वेंडर बिठा दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि वेंडर्स को आप बिठाइए, जहाँ मर्जी बिठाइए, लेकिन इस तरीके से बिठाइए कि वो शहर की सुंदरता को ना खराब कर पाए, उनका बिजनेस भी चले और शहर के दुकानदारों का भी बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए। लोगों को आने जाने में भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लोग जब सेक्टर 17 के यहाँ पे प्लाजा में बच्चों के साथ घूमना चाहते हैं तो उनका वही माहौल मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 17 में हम 1 घंटे मार्केट बंद करके, ब्लैक आउट करके, कैंडल मार्च और मशाल मार्च करके हम अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। और इसके बाद हमारे ये प्रोटेस्ट अलग अलग तरीके से सेक्टर 17 या अलग मार्केटों के बीच में जारी रहेगा और हम इस प्रोटेस्ट को तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी। तो सर, पिछले साल भी आपने कुछ ऐसे ही प्रोटेस्ट किया था, तो प्रशासन ने कोई इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? प्रशासन ने तभी हमें बुलाकर ये एश्योरेंस दिया था कि हम इसके ऊपर बिल्कुल जल्दी से एक्शन लेके 5 जनवरी उन्होंने लास्ट डेट हमारे 35-40 एग्जीक्यूटिव मेंबरों के सामने और प्रेस के सामने और वहाँ के बड़े ऑफिसरों के सामने उन्होंने बैठ के प्रॉमिस किया था। यहाँ के लगभग सभी मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया था, सारे शहर को भी ये पता था कि ये 5 जनवरी को हटा दिए जाएंगे, लेकिन वो अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे। इसकी वजह से आज दोबारा हमने प्रोटेस्ट किया। अगर ऐसे ही आगे भी जारी रहा, वेंडर्स नहीं हटे, तो आपका क्या कदम? हम इस प्रोटेस्ट को अब बंद नहीं करेंगे। ये सेक्टर 17 से हम पूरे शहर के लोगों से भी अपील करते हैं कि अपने शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए, शहर को सही करने के लिए हमारा सहयोग करें। और सारी जो यहाँ के रेजिडेंशियल है, यहाँ के कमर्शियल है, यहाँ की मार्केटें हैं, कोई भी नहीं चाहता कि इस शहर की सुंदरता को इस तरीके से खराब किया जाए। हम उन लोगों से भी अपना सहयोग मांगेंगे और अपना ये एजिटेशन पीसफुली कंटिन्यू जारी रखेंगे जब तक हमारा ये मांगे नहीं माने। अच्छा चल, जैसे कि आपको पता है अभी चुनावी माहौल है, तो आप जो मौजूदा सरकार है या जो आने वाली सरकार है उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, हमने ये चीज पिछली सरकार के सामने भी उठाई थी, उन्होंने भी यही वादा किया कि जब कॉर्पोरेशन ने जो वादा किया तो उसके बीच में बाकी लोगों का भी साथ था कि 5 जनवरी तक हटा दिया जाएगा, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। हमें ये बात नहीं पता चल रहा कि क्या है, कि इसके पीछे कौन सी राजनीति है, क्या है,
कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं वोट की राजनीति है या किसी और बात की है या कुछ है, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ के दुकानदार इस बात से दुखी हैं। दुकानदार क्या, इसके अलावा यहाँ के लोग जो शहर को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, यहाँ जो टूरिस्ट सेक्टर 17 में आगे घूमना चाहते हैं, यहाँ के सीनियर सिटीजन जब इस मार्केट के बीच में शाम को आते हैं तो वो ऐसा माहौल देखकर वो भी ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये शहर का क्या हाल है। तो ये हमारे साथ थे जॉइंट एक्शन कमेटी सेक्टर 17 के प्रेसिडेंट नीरज बजाज जी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।